अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बर्ड जोन। ये हमारा मिट्टू है और आज इसे हम घर से बाहर लेके जाएंगे ओपन फ्लाइंग के लिए। फर्स्ट डे है इसका ओपन फ्लाइंग का, तो थोड़ी सी एहतियात करेंगे, जैसे कोई रस्सी वगैरह बांध के लेके जाएंगे ताकि ये कहीं निकल ना जाए, क्योंकि आज पहली दफ़ा ये बाहर जा रहा है, तो थोड़ी सी एहतियात तो हम करेंगे। चलें इसे बाहर लेके जाते हैं और देखते हैं क्या करता है ये आज। मिट्टी को नीचे ले आए हैं हम, देखते हैं आज ये क्या करता है। रस्सी कोई यार कुछ ख़ास अच्छी नहीं मिली थी मुझे, तो रजाइयों वाला जो सा धागा होता है वो मिला है मुझे, तो वो लेके आया हूँ। बाकी अल्लाह ख्याल करेगा, देखी जाएगी ये क्या करता है। असल में इसकी ब्रेक नहीं है, वरना इसे रस्सी मैंने बांधनी नहीं थी, लेकिन देखते हैं क्या करता है। आज ये काट रहा है मुझे, क्योंकि बाहर आया है, बाहर आके इसका फ्लाइंग का पूरा मूड है। चलें इसे फ्लाइंग करवाते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। तो हमने वहाँ पे छोड़ दिया है, देखते हैं अब क्या करता है। ये उसने पहले ही छोड़ दिया इसे। चलें एक बार दोबारा से आपको दिखाते हैं। चलें दोबारा से छोड़ा हूँ मैं इसे, अब देखते हैं ये क्या करता है। माशाल्लाह से आ तो सीधा रहा है। जिस चीज़ से डर था मुझे कि धागा ना टूट जाए, तो धागे को तो ये इस्तेमाल ही नहीं होने दे रहा है। माशाल्लाह से खुद ही सीधा आ रहा है मेरे पास। चलें एक ट्राई और करवाते हैं इससे। साइड पे जाने लगा था, लेकिन इसने मेरी आवाज़ सुन ली है और आ गया मेरे हाथ पे। आखिरी ट्राई करते हैं, ये शोर होने लग गया और इससे ये डरता है शोर से। चल माशाल्लाह से अब तो काफ़ी ट्रेंड हो गया है। जिस दिन ये गोल गोल चक्कर काटने लग जाएगा ना, तो फिर इसे इस रस्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। चलें इसको एक ना गोल चक्कर कटवाते हैं, बस हाथ से मैं फेंकता हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। लेकिन नहीं, ये मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। इसको मैं दूसरी तरह से पकड़ के फिर फेंकता हूँ। चलें अब आ गया। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा चक्कर काट के आया है, बस इसकी ये है कि ब्रेक नहीं है कोई, इसलिए से थोड़ा डर लग रहा है। इंशाल्लाह इसकी ब्रेक लगवाते हैं, फिर इसे बगैर धागे के उड़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।